अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस टाइम हम सऊदी अरब में मौजूद हैं। लॉकडाउन की वजह से 3 माह से ऊपर हो गए, काम वगैरह नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं आ सकते। जो पहले टिकट हमें 800 प्लस में मिल जाती थी, अभी वो 2200 की हो गई है। फिर वो 2200 ढूंढे कहाँ से लाएं, फिर उधर पाकिस्तान में आके कतरीना सेंटर में रखते हैं, कतरीना में। उसके भी सुना है पर डे 100 रुपया चार्ज है, 100 रियाल। तो 3 महीने से काम वगैरह नहीं है। मकान के किराए हम लोगों ने नहीं दिए, मालिक मकान में घर से निकाल रहे हैं। बहुत परेशान है पाकिस्तानी सफारत खाना और हुकूमत हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रही। मुझ समेत बहुत सारे दोस्त ये सब जानते हुए कि खुदकुशी हराम है, खुदकुशी के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, खुदा रहम हम बीवी बच्चे वाले हैं, हमारी मुश्किल की घड़ी में साथ दिया जाए, हमें बचाया जाए। बहुत परेशान है परदेसी भाई, 3-3 माह से काम नहीं है, रोटी के पैसे खत्म हो चुके हैं, उधार देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऊपर से मकान के किराए, बिजली के बिल, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और सोशल मीडिया के तमाम सार्फिन से गुजारिश है, मेरा ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाया जाए। सफारत खाना सऊदी अरब हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रहा, टिकट में कमी की जाए और हमें पाकिस्तान लाया जाए। हमें ये पता है खुदकुशी हराम है, हम खुदकुशी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे मुझसे से भाई खुदकुशी पे मजबूर हैं, खुदा रहा हुकूमत इस चीज़ का नोटिस ले और परदेसी भाइयों की मदद करे। हम बहुत परेशान हैं, ये मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चला कल्ला।